प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब विदेश में जाते हैं तो विदेश में जाकर के बोलते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, और जब देश के अंदर आते हैं तो कहते हैं कि हम राम भूमि और गणेश और लक्ष्मी की बात करते हैं। तो ये दो रंगी नीति से बाज आना चाहिए। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार के साथ। इस वक्त हम गौरा में हैं और आज यहाँ पर चलो गांव की ओर एक कार्यक्रम हो रहा है और यहाँ तमाम बहुजन समाज के लोग उपस्थित हैं। आज हम हमारे साथ हुसैनाबाद के पूर्व विधायक माननीय सुखबीर कुशवाहा हैं, उनसे बात करेंगे। आज यहाँ पर चलो गांव की ओर महापुरुषों का कार्यक्रम हो रहा है, बुद्ध और तमाम बाबा साहब के संदर्भ में लोग यहाँ काफ़ी उपस्थित हैं, आप क्या कहेंगे सर? देखिए, बाबा साहब कल भी प्रासंगिक थे, आज भी प्रासंगिक हैं, और महात्मा गौतम बुद्ध के अनुयायी हैं बाबा साहब। महात्मा गौतम बुद्ध ने जो संदेश दिया था भारतवर्ष में या पूरे विश्व में कि मानव सम है, न ज़्यादा न कम है, और वो मानवतावादी संदेश को बाबा साहब अंबेडकर ने आत्मसात किया, और बाबा साहब अंबेडकर ने उस उनके दिए हुए संदेश को, उनके कारवां को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। सर एक सवाल है, अभी दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, उन्होंने कहा है नोटों को संदर्भ में लेकर के, भारत के जो करेंसी नोट है उसको लेकर के, कि नोटों पे गौरी गणेश का, लक्ष्मी गणेश का फोटो जो है लगाया जाए, क्या सर कहेंगे इस पर? देखिए, गौरी गणेश और लक्ष्मी गणेश के बारे में हम नहीं ये बता सकते, लेकिन भारत का जो अशोक स्तंभ है वो भारत का एक स्तंभ है, और अशोक स्तंभ कई सदियों से चला रहा है, और जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब विदेश में जाते हैं तो विदेश में जाकर के बोलते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, और जब देश के अंदर आते हैं तो कहते हैं कि हम राम भूमि और गणेश और लक्ष्मी की बात करते हैं। तो ये दो रंगी नीति से बाज आना चाहिए, और मनुवादियों को समझना चाहिए कि दो रंगी नीति अब नहीं चलेगी, क्योंकि हम जब बुद्ध के धरती से आए हैं तो बुद्ध के संदेश को ही विश्व में जो है सर्वव्यापी करना चाहिए, बुद्ध के संदेश को ही विश्व में फैलाना चाहिए। लेकिन ये जाकर के बाहर में विदेशों में बोलेंगे कि बुद्ध की धरती से आए हैं, वहाँ नहीं बोलते हैं कि हम भगवान राम की धरती से आए हैं, ये बात उनको बोलना चाहिए, लेकिन ये नहीं बोलते हैं, बोलते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। तो उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि ये दोरंगी चाल जो है, दोहरी नीति भारत के अंदर क्यों चला रहे हैं सत्ता वर्ग के लोग या मनुवादी व्यवस्था के लोग, उनको ये परहेज करना चाहिए। सर अरविंद केजरीवाल दिल्ली जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और ऐसी स्थिति में उन्होंने सवाल किया है, सर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में क्या संभव है ऐसा? देखिए, अब उसकी संदर्भ में बोले हैं, मैं इस पर ज़्यादा कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर बता रहा हूँ कि अगर इस तरह की बात अगर बोला है उन्होंने तो ये निंदनीय है। भारत जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्षता की बात होनी चाहिए, सभी धर्मों का समान आदर होना चाहिए, और जिसको जिस धर्म में आस्था है उस धर्म को मानने से कोई परहेज नहीं है, और हम अपनी धर्म का जो आस्था है दूसरे पर थोपने से परहेज करें, बचे। ये थे हमारे साथ कुशवाहा सुखबीर मेहता, और हम लोग यहाँ पर उपस्थित थे, काफ़ी लोग हैं जो अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि भारत के जो करेंसी नोट है उन करेंसी नोटों पे लक्ष्मी और गणेश का प्रतिमा लगाया जाए, यह अब असंवैधानिक बात थी, और इसे लेकर के पूरे देश में माहौल गरमाया हुआ था। आज हम इन्होंने कहा कि ऐसा करना देश और राष्ट्र के लिए खतरा है और यह उचित नहीं है। तो ये थे हमारे साथ, यहाँ पर अभी यहाँ पर कार्यक्रम हो रही है, तमाम बहुजन समाज के लोग हैं, महापुरुषों पर चर्चा हो रही है, और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं, और यहाँ पर जो चलो गांव की ओर मिशन के तहत बहुजन समाज के तमाम लोग एकत्रित हैं, और यहाँ पर तथागत बुद्ध और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संदर्भ पर चर्चा हो रही है, परचर्चा। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।